नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। आचार संहिता पूरी होने के बाद आज सूरत महानगर पालिका में पहली सामान्य सभा हुई। एक दिन में दो बार हुई सामान्य सभा में तक्षशिला दुर्घटना में जान गंवाने वाले बच्चों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और दोनों सामान्य सभा मुलतवी रखी गई। हालांकि सामान्य सभा में कांग्रेस के सभी पार्षद हाथ पर काली पट्टी बांधकर आए थे। कांग्रेस के पार्षदों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया था। हालांकि बाद में सामान्य सभा हॉल से बाहर कांग्रेस के पार्षदों ने मीडिया के समक्ष तक्षशिला अग्निकांड में कसूरवारों के खिलाफ शिकायत करने की मांग की थी। आज रोज सामान्य सभा मळी थी, एनी अंदर कांग्रेस पक्षना तमाम कॉर्पोरेटरो काली पट्टी बांधीने अंदर गया था। ज्यारे सरथाणानी अंदर तक्षशिला एपार्टमेंटनी अंदर जे 22 मासूमोनी जे जान गई है एनी शोक दरखास्त भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पक्ष तरफ थी दोनों बे बाजू थी हती। पण जे अमे अलग सभा नी मांग करी थी पण भारतीय जनता पार्टी आजे पण ज खाटवा 22 बाळकोना मौत थया होय, सत्ताधीशोनी भूले मौत थया छे, आ प्रशासननी भूले मौत थया छे, अने तो पण आज राजकारण रमी छे। अने आवती सामान्य सभानी मांग कांग्रेस पक्षनी हती, पण 5 जणाना एना રાજેશભાઈ દેસાઈના અને સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેનના અને શંકરભાઈ સેવલીના 5 નામથી દરખાસ્ત લાવી અને આજે જે વાહવા લૂંટવા ગયા છે, પણ આ 22 બાળકોના જે મોત ઉપર તમે રાજકારણ રમવા ગયા છો, તમને આ સુરત શહેરની જનતા અને કોંગ્રેસ પક્ષ બેમાંથી એક કોઈ નહીં છોડે। સુરત મહાનગરપાલિકાની પૂર્વ નિર્ધારિત માસિક સાધારણ સભા આજરોજ બોલાવવામાં આવી હતી, परंतु गत तारीख 24 रोज सूरतना सरथाणा खाते बनेली करुणतम अने आघातजनक घटनाना पगले आजनी सभा घटनामां भोग बननार मृतकोने श्रद्धांजलि आपीने मुलतवी राखवामां आवी हती। साथे साथे आ घटना सूरत शहर माटे अत्यंत महत्वपूर्ण होवाना कारणे ए घटना उपर मुक्त तटस्थ अने विस्तृत चर्चा थाय एवा हेतुसर एक खास सभा बोलाववानो स्थायी समितिना 5 सभ्योनी दरखास्त थई हती, जेने आवकारवामां आवी हती। अने मुजब आगामी दिवसोमां एनी तारीख जाहेर करवामां आवशे अने आज विषयने केन्द्रमां राखीने एक खास सभा ते समये बोलाववामां आवशे, जेनी हवे पछी जाहेरात थशे। रिपोर्ट बाय परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज, सूरत।